आज के सर्वे का पहला सवाल क्या है, ये आपके सामने अब पहला सवाल हम रखने जा रहे हैं। ये आ गया पहला सवाल, बीजेपी नेताओं के दौरे बढ़ने से बीजेपी को यूपी में कितना फायदा होगा। आप देख रहे हैं किस तरीके से पूरा जोर बीजेपी के बड़े नेताओं का उत्तर प्रदेश में है। इसका जवाब देख लीजिए आप, 43% कह रहे हैं बहुत फायदा मिलेगा, कम फायदा कहने वाले 29% हैं, और साथ ही कोई फायदा नहीं ये कहने वालों की संख्या 28%, लेकिन 43%, मतलब एक बड़ी तादाद ऐसी है जो ये मान रही है कि बीजेपी नेताओं के दौरे जो उत्तर प्रदेश में बढ़ रहे हैं, इससे चुनावी तौर पर बीजेपी को बड़ा फायदा मिलेगा। तो सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं मनोज्ञा लोयवाल के पास। मनोज्ञा, जिस तरीके का जोर बीजेपी की तरफ से लगाया जा रहा है यूपी में, बड़े चेहरे जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेतृत्व करते हुए नजर आ रहे हैं यूपी में, इसका बड़ा फायदा बीजेपी को मिलने जा रहा है। आपके साथ जो लोग मौजूद है वो क्या कह रहे हैं? बिल्कुल रुमाना, आज मैं हूँ सुल्तानपुर में, मजरू सुल्तानपुरी का ये शहर है। क्या हुआ तेरा वादा, अब वो कसम वो इरादा, भूलेगा दिन जिस तुझे, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। चुनावी मौसम में जितने भी नेता आते हैं वो यही कह जाते हैं, लेकिन अभी दिखाया जा रहा है बीजेपी से, हमें ये बताइए कि हमारे सर्वे में दिखा रहे हैं कि इस बार बीजेपी के नेताओं के दौरे पड़ने से बीजेपी को फायदा होगा, कितना मानते हैं? आपको हम सुन नहीं पाए कि बीजेपी के नेताओं के दौरे बढ़ने से इस बार बीजेपी को फायदा होगा। जी बहुत फायदा होगा, पिछली बार 300 पार, इस बार 350 पार। समझ रहते हैं कि बीजेपी नेताओं के दौरे बढ़ने से बीजेपी को फायदा होगा, सर्वे में आ रहा है बीजेपी के नेताओं के दौरे बढ़ने से बीजेपी को फायदा होगा। ये आपकी फेल हो गए हैं, केवल झूठ बोल रहे हैं, हर जगह झूठ बोल रहे हैं। ये लोग मंदिर अयोध्या यहीं से बगल है, उसकी जमीन चोरी करके खरीद रहे हैं, चुप्पे से खरीद रहे हैं, मंदिर को भी नहीं छोड़ रहे हैं ये लोग। सफाया आपकी इनका पूरी तरह से। जी बीजेपी के नेताओं के दौरे करने से बीजेपी को फायदा होगा, आंकड़ों में आ रहा है। आंकड़े क्या कहते हैं इसके बारे में मैं नहीं कहता, चूंकि मीडिया सारी कॉर्पोरेट की है, वो किसके साथ खड़े हैं? लाइव चला रहे हैं? नहीं, हम लाइव चला रहे हैं मीडिया का। डोंट शूट द मैसेंजर, डोंट शूट द मैसेंजर, सवाल का जवाब दें। मैं उसी पे आ रहा हूँ, मैं अपनी बात कहूंगा, भूमिका मेरी अपनी होगी। फायदा बीजेपी को होगा कि नहीं होगा ये मैं नहीं जानता, लेकिन जिस तरीके से जनता के टैक्स से ये सरकारी यात्राएं हो रही हैं चुनावी, उससे जनता का जरूर नुकसान हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी का फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्या कहते हैं इन आंकड़ों से सहमत हैं? मैम आप देखिए, क्लियर तौर पे इस चीज को आप देख सकते हैं, बड़ी बड़ी रैलीज हो रही हैं। आज केशव प्रसाद मौर्या की भी रैली थी, आधे से ज्यादा कुर्सियां खाली पड़ी हैं, आवाम वहां जाके अखिलेश का नारा लगा रही है, अखिलेश यादव जिंदाबाद, 2022 में अखिलेश आ रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं इस बार? आंकड़ा दिखा रहे हैं कि बीजेपी नेताओं की रैलियों बढ़ने से, बीजेपी नेताओं के दौरे बढ़ने से उनको फायदा होगा। किनको फायदा होगा? नहीं नहीं, ये कितनी रैली कर लें, कितने धरने कर लें, कुछ कर लें, आ रहे अखिलेश जी, इसमें कोई दो राय नहीं। सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा है, गरीब जनता का पैसा बर्बाद किया जा रहा है। किसानों को ये बैकफुट पे आए ना, 750 किसान मरे हैं, इन्होंने क्या दिया उनको? इनका घर द्वार भी बिक जाए ये सत्ता में नहीं आ सकते। सारा देश बेच के अंडानी अंबानी को दे दिया इन्होंने, प्राइवेट लिमिटेड देश बना दिया, क्या है ये? किसी भी किसान की मौत किसी भी प्रकार के उत्पीड़न से नहीं हुई है। हमारी सरकार गरीबों के लिए काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी गरीबों की सरकार है, इन्होंने गरीबों को मकान दिया है, शौचालय दिया है, बिजली दिया है। ये जो दौरे कर रहे हैं इससे फायदा होगा? इन बहुत फायदा होने वाला है, क्योंकि मोदी जी की विश्वसनीयता इतना ज्यादा है लोगों के बीच में, गरीबों के बीच में, उनकी जितनी योजनाएं आई हैं सब धरातल पे उतरी हैं, चाहे प्रधानमंत्री ग्राम आवास योजना हो, चाहे शौचालय की योजनाएं, जो भी योजनाएं हैं वो सब धरातल। देखिए, सोच ईमानदार और काम दमदार कहने से वो नहीं होता है। आप ये बताइए, कोई व्यापारी सुखी है? गोरखपुर में एक व्यापारी विकास देखने केवल गया था, उसकी हत्या कर दी जाती है। ये भाजपा के लोग, भाजपा लोगों के पास कोई काम नहीं, कोई एजेंडा नहीं है, इनके पास दो ही काम है, एक फीता काटो बदलो नाम, दो ही काम है इनके पास। आप इसी जनपद सुल्तानपुर में खड़ी हैं, मॉडर्न बस स्टॉप, ये बोल रहे हैं कि भाजपा जो है जनता के पैसे से यात्राएं कर रही है। मैं पूछना चाहता हूँ, जो लंदन से बग्घी आती थी वो किसके पैसे से आती थी? जो बॉलीवुड की एक्ट्रेस डांस करती थी सैफ अली महोत्सव में किसके पैसे से आती थी? जो मूर्तियां लगती थी वो किसके पैसे से थी? जनता जवाब मांग रही है, उसका जवाब दें। इनकी सरकार में भाजपा की जहां पर भी योगी की रैली हो रही है, महिलाओं को पैसे पे खरीद के लाया जा रहा है, बहन बेटियों के साथ।
मैं ये कहता हूँ जो अखिलेश जी की सरकार थी वो थाना चला देते, आज हम 56 नीचे कहेंगे कि हमारी सरकार बहुत अच्छी चलेगी। 27 में भी जितने योगी योगी मोदी मोदी कर रहे हैं सभी बेरोजगार हैं, ये सभी सुल्तानपुर की जनता को आप सुन रहे हैं और जनता भी पूरी तरीके से जागरूक, कुछ इस तरीके से नेता आर पार करते हुए नजर आते हैं, इसी तरीके से सुल्तानपुर में जनता को आर पार करते हुए आप देख रहे हैं। फिलहाल वाराणसी आपको लेकर चलेंगे, संजय त्रिपाठी हमारे साथ मौजूद है। संजय, सर्वे का सवाल कि भाई बीजेपी नेताओं के दौरे बढ़ेंगे तो बीजेपी को यूपी में फायदा होगा, 43% लोग इस बात को कह रहे हैं, मतलब मोदी को यूपी में टक्कर देने वाला कोई नहीं। बिल्कुल रोमाना, मैं बनारस के लोगों से बात करूंगा, राजनीतिक दलों के लोगों से बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले एक खूबसूरत तस्वीर जो देखने के लिए देश विदेश से लोग यहां पर आते हैं वो देख लीजिए। और ये 80 घाट की आरती है, माँ गंगा की आरती हो रही है, पतित पावनी माँ गंगा की आरती हो रही है, बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं और जो वातावरण है पूरी तरह भक्तिमय है। अब आता हूँ आपके सवाल पर, 43% लोगों का ये कहना है कि जो बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के आ रहे हैं उनसे आने पर बीजेपी को उत्तर प्रदेश के चुनावों में लाभ मिलेगा, क्या सोचते हैं आप? भारतीय जनता पार्टी का जो भी नेता वाराणसी आ रहा है या उत्तर प्रदेश आ रहा है उसका एक आशय है, वह काम कर रहा है, इंफ्रा पे काम कर रहा है, इसलिए काशी आ रहा है। आज काशी विश्वनाथ धाम जो पूरी दुनिया के लिए लोकार्पित हो चुका है, आप उसके कार्य को देखें। अभी आपने प्रशंसा की कि इस काशी घाट में जो आरती चल रही है, मैक्सिमम घाटों पर आरती चल रही है, काशी का परिदृश्य बदल चुका है, पूरे उत्तर प्रदेश का परिदृश्य बदल चुका है, सड़कों का जाल बिछा हुआ है, इंडस्ट्रीज अच्छी स्थिति में है, व्यापारी अच्छी स्थिति में है, अपराधी दुबक चुके हैं कोने में या तो ऊपर जा चुके हैं। ऐसी स्थिति में हर लोग ये जानना चाहेंगे, देखना चाहेंगे कि 5 साल पहले का उत्तर प्रदेश और आज का उत्तर प्रदेश, इन दोनों में अंतर क्या है। काशी का परिदृश्य बदल चुका है और केंद्र से जो नेता आ रहे हैं या बड़े नेता जो भारतीय जनता पार्टी के आ रहे हैं उनके आने से क्या आपको लगता है लाभ मिलेगा? पूजा यादव हैं आप समाजवादी पार्टी से। देखिए, ये बनारस है और ये काशी में जिस तरीके से इन 5 सालों में काम हुआ है, जिस तरीके से जनता यहाँ बुनकर परेशान है और बुनकर भाई भाइयों की लड़ाई लड़ रही है इस समय जनता यहाँ काशी की। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था मैं नहीं आया मुझे माँ गंगा ने बुलाया है, और कोरोना काल में जिस तरीके से गंगा मैया के ऊपर लाशें तैर रही थी, जिस तरीके से काशी में बीजेपी के प्रवक्ता की बेटी ने दम तोड़ा और उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिला, इनकी बहुत सारी विफलताएं हैं जो इस बार 22 के चुनाव में इनको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, चाहे ये कितने भी बड़े नेताओं को बुला ले। काशी की जनता जान चुकी है कौन असली विकास पुरुष है और काशी की जनता इस बार समाजवादी पार्टी के साथ जाने वाली है। काशी के ही हैं आप भी, क्या लगता है इस बार किसकी सरकार काशी में? देखिए, जनता ने मन बना लिया है, भारतीय जनता पार्टी के नेता, आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता काशी के दौरे कर रहे हैं, यह इस बात को साफ जाहिर करता है कि भारतीय जनता पार्टी हताशा में है। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं को, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जी को 10 दिन में 2 बार दौरे करने पड़ रहे हैं, इससे साफ संकेत है कि बनारस की जनता और उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है कि भाजपा को वोट नहीं करना है, क्योंकि उन्होंने देख लिया कि सही मायने में विकास पुरुष अखिलेश यादव हैं और अखिलेश यादव के नेतृत्व में ही सही मायने में उत्तर प्रदेश में खुशहाली आ सकती है। गरीब, किसान, नौजवान, बुनकर, मजदूर, सबका विकास अखिलेश यादव के हाथ में। विकास अखिलेश यादव करेंगे, सहमत हैं? देखिए, अभी अखिलेश यादव करेंगे नहीं करेंगे वो अभी भविष्य तय करेगा। वर्तमान की सरकारें जिस तरह से यूपी का गला घोटती हैं, प्रधानमंत्री जी जिस तरह से बनारस आ रहे हैं, उनको डर हो गया है कि अपने संसदीय क्षेत्र में 8वीं विधानसभा सीट हारने जा रहे हैं। जिस तरह से बनारस के अंदर कोरोना काल में ICU वेंटिलेटर ऑक्सीजन की कमी थी, लोग मौत की नींद सो रहे थे, लोगों की मौतें हो रही थी। हम लोगों से भी बात कर लेते हैं। मैडम, क्या नाम है आपका? मैं देख रहा हूँ बड़ी देश खड़ी। मेरा नाम दीपाली गुप्ता है। वाराणसी से आप? नहीं नहीं, मैं बरेली से यहाँ घूमने आई हूँ। यूपी से है ना, मतलब क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश में किसका माहौल? यूपी में आएंगे तो मोदी। आपको क्या लगता है? यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार पूर्व बहुमत से माननीय अखिलेश यादव जी, हम लोग युवा भाई सब मिलके अखिलेश जी को, समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। अलग अलग मत हैं, अलग अलग लोगों का मानना है, कुछ लोग ऐसे हैं जो वाराणसी से हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो बाहर से आए हैं, अलग अलग मत है। किसी का कहना है कि अखिलेश यादव का पलड़ा भारी है, तो कुछ कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का जो बिल्कुल। तो अलग
एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।